ऐसे में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार किसी रेजिमेंट को एयरलिफ्ट कर घाटी में उतारा गया और ये भारतीय सेना का गौरव रही सिख रेजिमेंट थी जिसके जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस घाटी को बचाया था। अस्सलाम वालेकुम वीरभरा, उम्मीद करते हैं जिते होगा हसते वसते होगा चढ़ते लेंगे पंजाब रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੇਵੈਸਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਹਾਦਰ ਤਰੀਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨੇ ਆ ਸਟਾਰਟ। ਓਹੋ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ। तो दोस्तों सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा है और एंग्लो सिख वॉर 1985 में सिखों ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। इनकी वीरता और साहस को देखते हुए ही इस युद्ध को जीतने के बाद सिख रेजिमेंट स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। 1 अगस्त 1846 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा। इन्होंने इसका नाम 11th सिख रेजिमेंट रखा था। वहीं जब इस रेजिमेंट ने शुरुआत की थी तब इसमें केवल 2 बटालियन थे, लेकिन आज इस रेजिमेंट में 19 रेगुलर और 2 रिजर्व बटालियन हैं। 1846 में इसकी स्थापना के बाद 21 सैनिकों की 1 बटालियन को अफगानिस्तान में भेजा गया था। यहां इन्हें सारागढ़ी किले पर तैनात किया गया। इस पर 1897 में अफगानिस्तान के कबीलों ने हमला कर दिया। वो 10,000 थे और ये सिर्फ 21, लेकिन फिर भी इन्होंने अफगानों को धूल चटा दी थी। दोस्तों 12 सितंबर 1897 को बैटल ऑफ सारागढ़ी को सिखों के दम पर अंग्रेजों ने जीता था। उसी दिन को ये रेजिमेंट अपना रेजिमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनेस्को ने बैटल ऑफ सारागढ़ी को दुनिया के सबसे बेहतरीन 8 युद्धों में शामिल किया है। आजादी के बाद इसका नाम 11th सिख रेजिमेंट से बदलकर सिख रेजिमेंट रखा गया था। वहीं जब कभी भी युद्ध होता है तो भारत की सिख रेजिमेंट ने उस युद्ध का करारा जवाब दिया है और भारतीय सेना का मान बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया है। दोस्तों सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक है और इसे 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 68 वीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 14 विक्टोरिया क्रॉस, 21 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड और 1596 और भी कई तरह के अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं। और सिख रेजिमेंट का वॉर क्राई जो बोले सोनिहाल सस्त्रीय काल है और इनका मोटो है निश्चय कर अपनी जीत करूं। सिख रेजिमेंट का सेंटर झारखंड के रामगढ़ कैंट में है और इसमें रेजिमेंट की 20 बटालियन मौजूद हैं। वहीं दोस्तों रॉयल ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसने हिस्सा लिया था। इस रेजिमेंट ने 1999 में कारगिल युद्ध के बाद टाइगर हिल पर कब्जा किया था। सिख रेजिमेंट का इस्तेमाल मुश्किल मिशन के लिए किया जाता है। 8वीं सिख बटालियन के सिपाहियों रसविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह और जसविंदर ने पहाड़ी के आसपास के इम्पोर्टेंट इलाकों को सुरक्षित किया और दुश्मन की ओर से लगाई गई आग को खत्म किया था। दोस्तों खराब मौसम और पाकिस्तानी सेना के लगातार फायरिंग करने के बाद भी सिख रेजिमेंट ने हिल पर कब्जा किया था। इस मिशन में 10 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया जबकि 48 जवान इस मिशन में घायल हुए थे। तब से लेकर अब तक टाइगर हिल भारतीय सेना के कब्जे में है। वहीं 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था। उस वक्त कश्मीर को बचाने के लिए श्रीनगर वैली को अपने कब्जे में रखना भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी था। ऐसे में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार किसी रेजिमेंट को एयरलिफ्ट कर घाटी में उतारा गया और ये भारतीय सेना का गौरव रही सिख रेजिमेंट थी जिसके जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस घाटी को बचाया था। और 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी उसमें पंजाब की घातक प्लाटून के 4 जवान भी शामिल थे जिन्होंने चाइना के सैनिकों को धूल चटाई थी। वहीं दोस्तों चीन आज भी भारतीय सेना के सिख सैनिकों से डरता है और इस डर की वजह 100 साल पुरानी है। दोस्तों पिछले साल जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी तो चीन की सेना ने पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे यानी चुसुल की तरफ लाउडस्पीकर लगाए थे। इन बिंदुओं पर टकराव बहुत हद तक बढ़ गया था। रेजांग ला से लेकर रेकिन ला तक इंडियन आर्मी और चीनी जवान आमने सामने थे। जो लोग इस जगह से वाकिफ हैं उन्हें पता है कि चुसुल के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मेज पर आज भी लाफिंग बुद्धा की एक सोने की मूर्ति रखी हुई है। कहते हैं इस मूर्ति को 1 सदी पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने ही जब्त किया था। उस समय सिख सैनिक 8 देशों के उस मिशन का हिस्सा थे जिसमें चीन की बॉक्सर रेबेलियन को खत्म करना था। यह संगठन युवा किसानों और मजदूरों का संगठन था जिसे विदेशी प्रभाव को खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया था। ब्रिटिश आर्मी ने उस समय सिख और पंजाब रेजिमेंट्स की मदद बाकी रेजिमेंट्स के साथ ली थी।
सेनाएं बीजिंग में दाखिल हुई और इसके बाद बॉक्सर के लड़ाकों ने विदेशी जवानों को धमकाया। वहीं उन्होंने करीब 400 विदेशियों को बंधक बनाकर बीजिंग स्थित फॉरेन लीगेशन क्वार्टर में रखा था। 55 दिन तक चले संघर्ष के लिए 20,000 जवान बीजिंग में दाखिल हुए थे। करीब 8,000 जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ थे और ये भारत से गए हुए थे। इनमें से ज्यादातर सिख और पंजाब रेजिमेंट के जवान थे। कहते हैं कि जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी लूटपाट में लग गई। फ्रांस और रूस के जवान वहां के नागरिकों की हत्या कर रहे थे और कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, मगर सिख सैनिक अपने मिशन में जी जान से लगे रहे और किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया था। और चुसुल के आर्मी मेस पर जो लाफिंग बुद्धा रखा है वो उन सामानों में शामिल था जिसे जवान अपने साथ लेकर आए थे। तो दोस्तों अब आप लोग सिख रेजिमेंट के बारे में जान गए होंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं या रेजिमेंट्स या स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा यार, वीडियो इतना ही यार, बिल्कुल वीडियो से यार ये बहादुरी रहते कोई ओ जोड़ी शक ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शक भी नहीं कर सकते थे। ये बहादुर आज भी सन ते पहला बिल्कुल ज्यादा तुसी इथे ला सकदे हो कि इन्हां दी पहले दो बटालियन सन। हां ते 11 सिख रेजिमेंट दे नाल तो, लेकिन ओ फिर किवें 21 कर लिए ने, किवें एक्टिव ने ते दो मेखले रिजर्व। सारी बात है बहादुरी दी वजह ना, हिम्मत दी वजह ना, ते सिख पंजाबी होवे ते बहादुर ना होवे ए कुछ कह नहीं सकते। असीं तवां विच वेख लिया होणा तुसी वी पहला वीडियो लेटेस्ट रिलीज होया जो ना डंडिया ना कुटिया हालांकि उन्होंने को हथियार बड़ा कुछ सी। हाँ। मतलब बड़े वो कम से कम यार हजारा ना सन सौ ना सन, लेकिन इतने सिख भी पंजी सिख जिछेता तो बड़ा मजा आता यार। बड़ी पुरानी रेजिमेंट यार 1846 की, इन्होंने बड़े कारनामे किए थे पाकिस्तान बनने तो 100 साल पहला दी। सिख यार पंजाबी सिख शुरू तो लड़ता है अपने अपने जेड़ा ना कंट्री वास्ते अपने देश वास्ते अपने वास्ते, ते अज दी लड़ाई इन्हां दा विच बड़ी हिम्मत बड़ी ताकत होंदी है यार। आम पंजाबी जी तू वेख लै किन्नी ताकत होंदी है, बड़ा जज्बा होंदा है। वैसे भी कोई भी आर्मी दा बंदा होवे उहनूं जज्बा इहो ही सिखाया जांदा, ट्रेनिंग इस च दित्ती जांदी है कि बई बस तू लड़ना है, लड़न दी जरूरत, कोई डर नहीं, कोई है वो नहीं। जेड़ा एक मिसाल उन्होंने दी जंग दी जेड़ी कैसे पता नहीं की ना सी सारा कुछ करके आई सी, लेकिन उत्थे जेड़ा पता नहीं 21 दस रहे सन 21 सिख जवान सन ते अगे 10,000 ते उन्होंने नु दूजे टाइप दी फिल्म बनी अक्षय कुमार दी। हां जेड़ी दुनिया दी वन ऑफ द मोस्ट आखी जांदी है मिसाल दी जांदी है जेड़ी ना अजीम तरीन जंगा चो, वैसे जंग अजीम ते नहीं होंदी लेकिन बहादुरी दे हिसाब नाल अगर देखिए ते ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ 21 22 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 10,000। ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਜਾਈ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਿੰਨੀ 21 ਬਟਾਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਚ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 200-250 ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਟੋਟਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਦਾਦ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਵਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਵਾਂ ਤੇ 1,25,000 ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਨ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਰਖਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨੀ ਸੇਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਹਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।